गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कल दवाई खाई, रात को पूरा परफेक्ट आराम हो गया और अभी सुबह मेरी 7 बजे नींद खुली। हमारा बाबू भी उठ गया, सिद्धांत रेडी हो गया है, देखो स्कूल की ड्रेस पहन ली। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग को देख के लाइक करने का। बाबा आप ऐसी जगह क्यों पतंग छुपाते हैं जिससे कि मुझे दिख जाए? अब कौन से दिख गए? बाबू की छोटी सी। बाबू की छोटी भी दिख गई? हाँ दिखाऊं आपको। बाबू आपकी पतंग दिख गई इसको? नहीं, इसकी पतंग नहीं दिखानी, इसकी पतंग इसे 15 अगस्त पे दिखानी है। मैंने कहा था ना, ये इसको ये कारस्तानी करके छोड़ेगा, इसने कारस्तानी करनी करनी है। 15 अगस्त के दिन उड़ाएंगे हैं? ठीक है, चेको क्या मिला? अरे जल्दी दिखा, पतंग मिल गई। दोस्तों देख लो, ये लौंडा जो है पैर चौड़े कर करके नाचने लग गया, इसको पतंग दिख गई ना, ये देखो इतना खुश हो रहा है। मुझे खुशी चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स जो है लाइफ में खुशियाँ मिलने के समय बहुत कम मिलते हैं, और जितने मिलते हैं उसको खुश होकर जी लेना चाहिए। तो मैं वही कोशिश करता हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। भगवान की दया से इतनी अच्छी बीवी मिली है जो सुबह उठती है, बच्चों को तैयार कर देती है। हमारे पापा हाँ छोड़ने जा रहे हैं अब अपने आप बांध लेगा। कहाँ बन गया? बांधना आता तो फिर क्या पूछ रही थी मम्मा? वो आंटी क्या पूछ रही थी? मामा की छुट्टी हो गई। चिढ़ा रही होगी। और दोपहर में क्या करता मेरे बच्चा? दोपहर में काम। क्या काम मिलता है वहाँ स्कूल में? हाँ दोपहर में हो जाती है। और फिर हमें हिंदी का काम मिलता है, उसे करते फिर एक और भी दो पीरियड और बचे रहते हैं, उन्हें पूरा करते फिर आपको होता है। स्कूल में कितने फ्रेंड बना रखे हैं बच्चे ने मेरे? बड़े बच्चे बना रखे हैं, छोटे बड़े भी। जब छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं तो उनको कुछ बोलता तो नहीं है? दोस्तों जरूरी है छोटे बच्चों के ऊपर रौब जमाता होगा। अब बड़े दोस्तों के साथ, बड़े लड़कों के साथ ये दोस्ती बनाने की कोशिश करता होगा। तो फिलहाल तो अब इसका स्कूल आ गया। लो बैग। बाय। मम्मी ठीक हो गई? इतना ब्लड वगैरह हो गया? अरे वाह, चलो जाओ जाओ स्कूल जाओ। तो फ्रेंड्स मेरे को आज महसूस हुआ कि यार बाइक से 5 मिनट के सफ़र में डेली जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अभी आपने देखा, बाइक से नहीं जाते तो आपको कुछ लोग मिल जाते हैं जानने वाले आपके, तो वो आपके हालचाल पूछ पाते हैं, आप उनके हालचाल पूछ पाते हो। फ्रेंड के बच्चे हैं तो जिनका मैंने अभी रिसेंटली ब्लड डोनेट करा था, तो वहीं का था, तो अब उसकी मदर बिल्कुल ठीक है, 11 पॉइंट कुछ ब्लड हो चुका है। तो दोस्तों ये जो फीलिंग है बच्चों को छोड़ के आने की, वो भी ख़ास तौर से पैदल पैदल, उसका एक अलग ही मज़ा है। सो फ्रेंड्स अपना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अपन घर पहुंच के अब दोबारा से सो जाए बड़े लोग की तरह, कि 11 बजे उठे हैं 10 बजे उठे हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर यही करते हैं, तो जब आप एक बार उठ गए तो उठ गए। अब मैं नहा धो करके फ्रेश हो जाता हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। साथियों अभी अभी तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, वो मेरे को लग रहा है जो दवाइयाँ चल रही हैं ना उसकी वजह से ही पसीना आ गया। तो अभी नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहाऊँगा। और अभी हमारे लौंडे ना अपने लिए फ़ोन का जुगाड़ कर, हर वक्त सीताराम हरे राम बोलती है, हमारे घर का माहौल बदल के रखती है। वाह, मैं ही नहीं नहाया, मेरे साथ साथ मैंने अपने बच्चों को भी नहला दिया। यहाँ पे लेट जल्दी। अरे
क्यों नहीं लेट रहा? ऐसे नहीं बोलते, जल्दी आओ, सॉरी, आओ जल्दी, जोर से बोलो सॉरी पापा। क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ सिद्धांत के सुबह सुबह कह रहा मम्मा 7 पीरियड तक मैं ऐसे हो जाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहा मम्मा मैं थक जाता हूँ ना, या उसको ट्यूशन का भी बहुत ज्यादा काम मिल रहा है। ठंडा ठंडा के बच्चे। जाओ बच्चे दोनों खाना खाओ, चलो जाओ भागो, जाओ आप ही जाओ भैया, जाओ गेट बंद कर देना ठीक है। तो साथियों देखो, मैंने अभी तो इसको भेजा था ऊपर, आपको मैंने ऊपर भेजा था ना, तो आप ऊपर से नीचे क्यों आ गए? ये नीचे आ गया क्योंकि इसका मन लगता ही नहीं मेरे बगैर, हर वक्त इसे मेरे साथ ही रहना है, मेरे साथ ही खाएगा, मेरे साथ ही सोएगा। प्रिंसिपल सिद्धांत जो है आते ही अपना पढ़ाई का काम करने लग जाता है स्कूल से। अब मेरा बच्चा जो है बहुत मेहनती हो गया है। पापा एक लड़की के ना चश्मा लग गया, और पता है सब पूरा स्कूल में सबको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन? हाँ। मतलब आंख कैसी हो रही थी उनकी? उनकी आंख मोटी मोटी बहुत, काले चश्मा लग गया। बुआ का भी फोन आया था, बुआ भी बोल रही थी यही बात। अस्मित को भी तो हो गया, ये आई फ्लू है आंखों का। और पता है बहुत सारे बच्चों को हो गया, और उसको प्रत्यक्ष को हो गया, जैसे ही वो आया ना स्कूल में मैंने उसका चश्मा देखा, हाँ। मेरी आंख भी अचानक से लाल हो गई। हाँ फ्रेंड्स, ये ऐसा चल रहा है अभी, मेरी सिस्टर का भी फोन आया था और वो यही बात बता रही थी कि आई फ्लू चल रहा है। तो सिस्टर के लड़के के, मेरे अस्मित के जो है आंखों में इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसा स्कूलों में बहुत सारे हो रहा है, तो अगर आपके बच्चे भी स्कूल वगैरह जा रहे हैं तो इन दिनों आप उन्हें ब्लैक चश्मा पहना के भेजें। और मैं तो कहता हूँ जिनकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो अपने बच्चों को स्कूल ही ना भेजें 2-3 दिन, वरना ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे, दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे को होता जाएगा। ये क्या ड्रामा है भाई, वहीं रखो चाबी को, चलो।